हाँ बेटा डाल दो अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं सब लोग घर की शिफ्टिंग कितना मुश्किल काम है इसका अंदाज़ा आपको यकीनन ये वीडियो देख के हो जाएगा जो लोग घर शिफ्ट करते रहते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है अच्छा यहाँ पे क्योंकि आपने पता ही होगा कि जितने भी कार्टन हों हमेशा जाने के बाद बिल्कुल समझ नहीं आती कि कौन सी चीज़ किस कार्टन में पड़ी थी तो मैंने कोशिश ये की कि सब के ऊपर लिख लूँ कि कि किस में क्रॉकरी है किस में आपकी बिजली की चीज़ें हैं किस में आपकी बाकी चीज़ें हैं ताकि जाने के बाद जो फौरी तौर पर चीज़ें ज़रूरत हो वो निकालें बाकी बाद में भी निकाल लेंगे तो बचियाँ भी साथ लगी हुई थी शुक्र है माशा इतनी हो गई हैं कि साथ काफ़ी हेल्प करा लेती हैं तो किचन की भी कोई हालत नहीं थी मासी क्रिसमस की छुट्टियों पर चली गई सारे काम पैकिंग समेत खुद करने थे तो अम्मी का अला भला करे कि वो ये करती हैं कि आके किचन में खाना वाना जो है वो क्योंकि अब उनकी एज ऐसी है वो मुझे कहने लगी कि मैं अब तुम्हारी बाकी हेल्प तो इतनी नहीं करा सकती लेकिन चलो मैं तुम्हें ये सपोर्ट दे सकती हूँ कि मैं तुम्हें खाना बना दिया करूँ तो मैंने कहा ये बहुत बड़ी सपोर्ट है क्योंकि मुझे वैसे ही जान जाती है खाना बनाने से तो यहाँ पर अम्मी ने जो है वो सुबह सुबह आके हांडी रख दी ताकि हमारा खाना बन जाए मेरे यहाँ पर पर्दे धोने वाले थे मैं वो ये देखें कैसे देसी स्टाइल से धो रही हूँ अच्छा मजे की बात यह है कि जैसे जैसे मैं धो रही थी वैसे वैसे उसमें से झाग निकलती जा रही थी पता नहीं मैंने सर्फ बहुत ज़्यादा डाल दिया था बहरहाल यहाँ पे मैंने उनको एक कुर्सी पर रख दिया जिसके अंदर से पानी जो है वो निचड़ना शुरू हो गया ये जो आप कुर्सी देख रहे हैं ये मेरे भतीजे की है कोई यकीन सोलह सत्रह साल पुरानी होगी जो मेरी बड़ी बेटी को दे दी मेरी भाभी ने बाद में और यहाँ पे मियाँ साहब भी ख़ुद मज़दूरी पे लगे हुए हैं क्योंकि घर शिफ्ट करना जो है वो किसी एक बंदे का काम नहीं है उसके अंदर पूरा घर इन्वॉल्व होता है और मज़दूर भी लगे हुए हैं यहाँ पे मज़दूरों को आप देखें इनको देख के मुझे बे अख्तियार लामा इकबाल का वो शेर याद आ गया जो शायद कुछ यूँ था कि तू कादिर आदिल है मगर तेरे जहाँ में हैं तलख बहुत बंदा है मज़दूर के औकात तो आप ये देख लें कि रिज़ की तलाश इंसान से किस किस तरह से जो है वो मुश्किल काम करवाती है ये गमले तकरीबन सत्तर गमले हमारे घर में और वह भी ऊपर के पोर्शन में तो इनको यहाँ से शिफ्ट करना जो है वह एक बहुत बड़ा टास्क था और ये तीन लोग थे जो जिन्होंने तकरीबन आधे घंटे के अंदर जो है वो ऊपर के पोर्शन से ला के गमले जो हैं वो बाहर गाड़ी में लोड कर दिए और अभी मैं आपको दिखाऊंगी और मैं हैरान होगी जिस तरीके से इन्होंने जा के वहाँ पे गमले जो हैं वो अनलोड किए और दोबारा से ऊपर की मंजिल पे लोड किए हैं तो यहाँ पे हमारा टेरेस जो है जो हमने बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ कोरोना के अंदर जो है इसमें पौधे लगाए ये ख़ाली हो रहा है तो बस इसी का नाम ज़िंदगी है इसी तरह से चीज़ें जो हैं वो इंसान कभी एक जगह जाता है कभी दूसरी जगह जाता है और फिर अल्टीमेटली जो है वो अपने फ़ाइनल ठिकाने पे चला जाता है देख लीजिए जी किस तरीके से ये तीन लोग जो है एक नीचे गाड़ी में एक दीवार और गाड़ी के साथ जो है वो टेक लगा के और एक ऊपर टेरेस पे खड़ा है और जिन्होंने वहाँ जाके भी आधे घंटे से कम टाइम में सारे के सारे गमले जो है वो कुछ ऊपर टेरेस पे शिफ्ट किया और कुछ छत पे शिफ्ट कर दिए अच्छा मज़े की बात यह है कि जैसे ही आप किसी घर में जाते हैं मेरे हस्बैंड उनके साथ दोबारा घर वापस आ गए बाकी सामान लोड कराने तो आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि शुरू कहाँ से करें और एंड कहाँ पे करें अभी वाइट वॉश वगैरह तो बिल्कुल नया हुआ हुआ है लेकिन आपने जाहिर है अपने हिसाब से जा चीज़ें वगैरह सेट करनी होती हैं बच्चे तो बड़े एक्साइटेड होते हैं इन चीज़ों में खुश भी होते हैं भाग भाग के कभी अंदर कभी बाहर लेकिन मुझे देख देख के जो है वो हॉल उठ रहे थे कि या अल्लाह मैं इस जगह को इस घर को जो है वो किस तरीके से सेटल करूँगी यहाँ पे देखें आमना ने फ़ौरन ही जो है वो आ, अपनी चीज़ें निकाली जो आ, पुराने घर में हर वक्त जो है वो मैस बना रहता था कभी मैं से कहती हूँ कि ऑर्गेनाइज़ करके रखो तो कभी बहुत दिल हो अरसे के बाद तो फिर तो कर देती हैं तो अभी नए घर का क्योंकि शौक़ जो है वो नया नया है तो अभी बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चों को चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने का शौक़ था जैनब ने मुझसे पूछा कि बताएं कैसे डोर साफ करने उसको मैंने कपड़ा दिया कि तुम इस तरह से साफ़ करो बहरहाल जब वो दूसरा फेरा लेने के लिए चले गए सामान का तो हमने थोड़ी देर के लिए मैं बच्चों के साथ करीब पार्क में आ गई मैंने कहा चले मैं बच्चों के साथ इतनी देर थोड़ी देर गेम खेल लूँ और उसके साथ शायद थोड़ी अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी की वजह से आ, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी तो बच्चियाँ खुश थीं क्योंकि अम्मा उनके साथ खेल रही थी वैसे तो माँ के पास इतना टाइम नहीं होता जाहिर है बच्चों के साथ इस तरह से गेम्स खेलने का तो बच्चे बड़े खुश थे और क्योंकि वो सामान की शिफ्टिंग और ये चीज़ें आपको पता है जैसे वो पेटियाँ खोलें तो बच्चों के लिए नया काम होता है यहाँ पे देख लें वो हमारी मज़दूरी बस इतनी ही है कि एक छोटा सा छाला था हाथ पे और वो क्योंकि उसके ऊपर जो है वो सामान की शिफ्टिंग के दौरान कुछ चीज़ें लगती रहीं तो वो इतनी तकलीफ हुई कि बिल्कुल किसी काम के काबिल ही नहीं रहे यहाँ पर बाकी सामान जो है वो आ गया बच्चों को शदीद भूख लगी थी अम्मी ने जो सालन बनाया था वो हम अपने साथ ले आए थे हस्बैंड रोटियाँ बाहर से ले आए और बस बहुत बिखरा हुआ था घर हर चीज़ जो है वो इसी तरह उलट पलट हुई भी थी लेकिन बच्चों ने माशाल्लाह से पता नहीं कितनी रोटियां खा गए बगैर गिने हुए यहाँ से एक सालन के साथ मेरे हस्बैंड बाहर से एक चिकन का सालन भी ले आए तो <coughs> बच्चों के बेड्स क्योंकि मैंने आपको पहले भी दिखाए थे वो नए बन के आए हैं उनके साथ ही ये मेरी शादी की बेडरूम चेयर्स थी जो मैंने दोबारा पोशिश के लिए दी थी क्योंकि इनका कपड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था बाहर मैंने थंबनेल पे एक पिक्चर भी लगाई हुई है वो फट चुका था और बच्चों की तो एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं था क्योंकि उनके नए बेड्स जो हैं वो कमरे में आ गए और नई बेडशीट्स जो हैं वो नानी अम्मा ने लेके दी कि चले जी बच्चों को बेडशीट्स जो हैं वो पहली दफ़ा मैं दूँगी तो बच्चों ने अपने बेड पे बिछानी है यहाँ पे हमारे नेबर में ही एक हमारे कोलीग हैं जिन्होंने टी बना के जो है और बड़े ही तकल्लुफ़ के साथ भिजवा दी और अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने के बाद चाय मिल गई तो बहुत ही शुक्र किया यहाँ अभी क्लीनिंग वगैरह का थोड़ा काम है क्योंकि फ़ैन्स वग़ैरह आप देख रहे हैं उस तरह से साफ़ नहीं हुए हुए बच्चों के कमरे के अंदर ये बेड्स बिछा दी हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे बने हैं अल्लाह ताला जो है वो रहना और बरतना नसीब करे तो फिर इंशाल्लाह मैं जब पूरा कमरा कंप्लीट हो जाएगा बच्चों का फिर पूरा का पूरा जो है वो दिखाऊंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में तो यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं वो अपनी अपनी ड्रॉर्स में चीज़ें सेट कर रही हैं बच्चों के कमरे के क्योंकि कर्टन्स कलर तो खैर इतना मैच नहीं करता था और कर्टन्स मेरे पास वैसे भी थोड़े कम थे तो फिर मैंने सोचा कि अब बच्चों के क्योंकि बेड्स भी नए हैं और कमरा भी नया है माशाल्लाह बहुत अच्छा भी लग रहा है तो चलो मैं अपनी तरफ से बच्चों को जो है वो एक सरप्राइज़ गिफ्ट मैंने कहा कि मैं आपको कर्टन्स जो है वो नए बनवा दूंगी तो बच्चियाँ तो उस पर खुशी के मारे जो है वो निढ़ाल हो गई कि हमने जाते ही जो है वो करने हैं कर्टन्स बनवाने ऑर्डर देना है तो हालांकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा थके हुए थे और वो कह रहे थे कि नहीं आज बहुत थकावट हो गई है तो हम कल परसों किसी दिन आके तो फिर दोबारा से जो है वो ऑर्डर दे, दे देंगे लेकिन बच्चे आपको पता है कि कहाँ सुनते हैं तो वहाँ से वापसी पे अभी क्योंकि हमारी शिफ्टिंग जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है अभी पहला दिन है अभी पता नहीं कितने दिन लगेंगे दोबारा से शिफ्टिंग करने में तो हम वहाँ से आए जीटी रोड पे ही आते ही एक बहुत बड़ी शॉप जो है वो बनी है कारपेट्स एंड कर्टन्स की बहुत ही अच्छी इतनी वैरायटी है इनके पास कि बस देख के मेरा तो दिल चाह रहा था कि पता नहीं क्या क्या कुछ ख़रीद लूँ लेकिन क्योंकि घर के साथ कुछ ख़रीदना जो है वो अभी मुमकिन नहीं था तो बस दिल को यही समझाया कि चलें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारी चीज़ें परचेज़ कर लेंगे बच्चों के लिए रख भी देखा कमरे का ख़ैर अभी वो परचेज़ नहीं किया अभी एक दफ़ा शिफ्ट हो जाए फिर ग्रेजुअली एक एक करके स्लो, स्लोली स्लोली जो है वो चीज़ें बनाएंगे यहाँ पर कर्टन्स जो हैं वो बच्चों के कमरे के देखे तो ये थोड़ा एक पिंकिश सा कलर है पिंक थोड़ा डार्क पिंक और पर्पल सा बीच में शेड कह लें मूव मुझे एग्जैक्टली कलर का नाम तो नहीं शायद सही तरह से आता तो यहाँ पे वो हम देख रहे हैं वो देख के तो है हमने ऑर्डर कर दिया तो एक हफ्ते के बाद इन शाली वो बन के आएंगे तो ये वाला प्रिंट जो है जिसके ऊपर ये छोटे छोटे हार्ट्स बने हुए ये वाला तो